नवीन गल्ला मंडी समिति महवा के तत्वाधान में शुक्रवार को जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी कार्यालय परिसर में लगाई गई। प्रदर्शनी में जैविक उत्पाद चावल, गेहूं, अलसी, सरसों तेल, च्यवनप्राश, गुड़, गिलोय पाउडर, चाय पत्ती, शरद, सतवार की खूब बिक्री की गई। इसके संबंध में मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मंडियों में महीने में 2 दिन जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगानी है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके और लोग जैविक उत्पाद से जुड़ सकें। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से मैसर्स हाई ग्रोथ एग्रो इंटरप्राइजेज, हरपुर पीपीगंज, मैसर्स ब्रह्म कृषि बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, राजकुमार नायक गढ़वा रामपुर के द्वारा प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, आजकल लोग अलग ध्यान है शरीर वो गलती मत करिए, किसी सब क्या आपसे लेकर यूरिया डाया के पोषक तत्व जब तक इस बॉडी में नहीं जाए तब तक आप पूरी बॉडी में डैमेज होगा। गोबर कौन से डालता है पता है? कच्चा गोबर है और गौमूत्र डालिए 180 लीटर पानी में डाल करके उसमें बेसन डालिए, 2 किलो सड़ा हुआ कि सब गुड़ डलवा दीजिए और पीपल या बरगद मिट्टी नीचे डाल और कबोल ऐसे ऐसे डाइल्यूट करने के बाद डेली करिए सुबह और शाम 15 मिनट बैक्टीरिया आ जाएगी। जब जाएगा धूप लग गया तो बैक्टीरिया मर जाएगी, जब धूप लगा तो मर गया तो आखिर मिलेगा क्या? तो ये क्या, ये जब खेत में जाएगा तो करोड़ों जीवाणु से पैदा हो जाएंगे, जब उसमें जीव पैदा होगा तब जब अन्न उसमें तैयार होगा तो उसमें जीव आएगा। अभी जितने भी अपन खा रहे हैं वो निर्जीव खा रहे हैं। मेडिसिन मतलब एक स्टे आपको क्या वो रोक देगा, फिर जो सुधरती नहीं है फिर पता चलेगा 2-4 साल फिर उभर गया। अगर आपको ब्लॉकेज खोलना है तो ओमेगा 3 इसमें क्यों नहीं खाने रहे वो ब्रिकेट में लिख दीजिएगा। मैं सेवाराम वर्मा मंडी सचिव गोरखपुर। जैविक कृषि उत्पादों के खेती और बाजार दोनों को प्रमोट करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, इसकी खेती और इसके बाजार को विकसित करने के लिए ये प्रदर्शनी जैविक उत्पादों की आज लगाई गई है। सर कोई लोगों का अपील जैविक शासन द्वारा प्रत्येक माह 2 दिन ये प्रदर्शनी लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है और आज माह का द्वितीय शुक्रवार है, आज ये प्रदर्शनी लगी है और अगले चौथे शुक्रवार को भी ये प्रदर्शनी यहीं पर लगाई जाएगी। प्रयास ये है कि लोग जैविक उत्पादों के प्रति जागरूक हों, जिससे उपभोक्ताओं को उचित सामान मिल सके उचित दर पर और किसानों को भी लाभ हो सके। वर्तमान परिवेश में जैविक उत्पादों की अत्यधिक आवश्यकता है। किसान भाई भी इसकी खेती के लिए उत्साहित हों जिससे उनकी आय बढ़े, इसी उद्देश्य से ये प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया है।